अब जो ये जिन एमपीओ ने किसानों के खिलाफ ये जो तीन काले कानून रद्द करवाने के लिए जो अपने साइन किए थे ना, जिन हाथों से उन हाथों के काट के खेतों में लटकाएंगे अब हाथों में खेत में लटकाएंगे। अभी आप लोग कह रहे हो कि बेरोजगार है जी, बेरोजगारी मुद्दा है जी, बात फिर वही नहीं होगा कि हिंदू बचाना है ये करना है। नहीं नहीं नहीं, अरे हिंदू खतरे में है, हम धोखा खा चुके, अब ऐसा आगे नहीं होगा। हमारी किसानी और ये जवानी, केवल एक किसानी ही हमारी जाति और धर्म है, हम उस पे वोट देंगे, हम धर्म पे बट के वोट नहीं देंगे। अब की बार मैं 17 का बी फार्मा पास आउट हूँ भाई, 4 साल हो लिया, कोई भर्ती निकली किसी भी जगह, कहीं भी कोई भर्ती निकाल ला, रेस भी लगा ली, कहीं नंबर नहीं आ रहा। अरे मुसलमानों ने हर चीज के लिए हक की आवाज उठाते, हम तो हक के लिए लड़ते हैं, हम हर किसी कौम के लिए आवाज उठाएंगे, हम दलित हिंदू मुस्लिम जब सब प्राइवेट कर दिए कहाँ गया। सबसे बड़ी मिसाल तो है मुजफ्फरनगर में, जहाँ से हिंदू मुस्लिम हुई थी और सारा भाईचारा है यहाँ पे सर, और इससे बड़ी मिसाल क्या देंगे। तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, हम मर जाएंगे, शहादत दे देंगे। 71 साल का हूँ मैं, आरएसएस इस देश को आदिकाल में ले जाना चाहते हैं। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे? अब ये कानून कानून की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन ये क्या कानून से बात जो है वो कानून तक ही रह पाएगी? बाद में फिर वो सब हिंदू मुसलमान बन जाएंगे? नहीं नहीं, कानून से तो आएगी, कानून तक जब तक वापस नहीं होंगे ये आंदोलन चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा। एक जात एक बात, और 2022 तक रहेगा, जब तक सेंटर की सरकार नहीं जाती है तो वापिस ले। तीनों कानून जब तक वापिस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, हम मर जाएंगे, शहादत दे देंगे। 71 साल का हूँ मैं, सारे बूढ़े वहाँ बैठे हैं, ये मोदी समझ ले कि अब एक बात और एक जात है सारे हिंदुस्तान की। आप कह रहे 71 साल की उम्र है, आपकी तजुर्बा है, तो आपको ये भी तजुर्बा होगा कि बीजेपी इतना हलवे में तो इलेक्शन नहीं निकलने देगी। ठीक है, बीजेपी देखी हमने जब इसकी 2 सीटें होते थे, हमारे बुजुर्ग समझाते थे कि इसको मत देना, पिछली बार हमारे युवा बैठ गए इसकी झूठी बातों में आ गए, अब नहीं आएंगे, अब ये सदा सदा के लिए जाएगी, ये कभी नहीं आए। और ये आरएसएस यस पीछे जो चलाती है ना, ये आरएसएस है, आरएसएस इस देश को आदिकाल में ले जाना चाहते हैं। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ बैठोगे? सवाल तो ये, आज तो आप किसान बन के आ गए, बाद में तो जाकर के फिर वही जो है सब लोग हिंदू मुसलमान होगा कि नहीं होगा? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं होंगे, सब एक रहेंगे, सब एक रहेंगे, मिलकर सब एक मिलकर रहेंगे, सब एक मिलकर रहेंगे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सब मिलके एक रहेंगे लास्ट तक। नहीं कोई चुनाव का मुद्दा, नहीं कोई किसान का मुद्दा जी। नौजवान क्या सोच रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार बेरोजगारी बढ़ रही है, फार्म निकाल दिए जाते हैं, भर्ती पूरी होती नहीं, उनमें फर्जीवाड़ा चल रहा है, पेपर लीक करा है। सुन भाई, मैंने फार्म भरा था 20 में है, और आर्मी की भर्ती तो मैं पता होगा कितने साल हो लिए जी, बिल्कुल भाई 4 महीने 5 महीने रेस्ट लो, फिर रेस मारो, फिर रेस्ट लो, और खाने को चाह भाई, रकम चाह भाई, भाई रकम चाह। अभी आप लोग कह रहे हो कि बेरोजगार है जी, और बेरोजगारी मुद्दा है जी, बाद में फिर वही नहीं होगा कि हिंदू बचाना है ये करना है? नहीं नहीं नहीं, अरे हिंदू खतरे में है, हम धोखा खा चुके, अब ऐसा आगे नहीं होगा। अच्छा, एक बार हम धोखा खा चुके हिंदू मुस्लिम के उसमें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, बीजेपी की शुरुआत मुजफ्फरनगर से ही हुई थी, मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी खत्म हो गई, यही दफन होगी, बीजेपी यहीं से ही शुरू हुई थी, यही खत्म होगी, दफन तो होगी, जिंदाबाद, ठीक है दफन तो होगी। हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं, अब मुद्दा तो भाई किसानों का है, बेरोजगारी का है, किसानों का मुद्दे तो ये हैं कि हिंदू मुस्लिम का क्या मुद्दा, कुछ मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा है ये तो सोच है आदमी की, तुम्हारी तुम्हारी, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, सहयोग, कोई मुद्दा नहीं, आप कुछ भी मुद्दा नहीं, मुद्दा तो सिर्फ एक किसानों का है, बेरोजगारी है, जो आदमी यहाँ से के अब कुछ नहीं के पास आपको। अब जो ये जिन एमपीओ ने किसानों के खिलाफ ये जो तीन काले कानून रद्द करवाने के लिए जो अपने साइन किए थे ना, जिन हाथों से उन हाथों के काट के खेतों में लटकाएंगे अब हाथों में खेत में लटकाएंगे, और हम वह किसान है, हमारे खेत में अगर कौआ ना, कौआ नुकसान करने लग जाए, उसको मार के एक बार उल्टा लटकाना पड़ता है, तब जाके वो सारे के सारे दंतु नहीं आते, ऐसे इनके हाथ काट के खेतों में लटकाएंगे, कंपनी नहीं आएंगी, हाथ काटे इनके हाथ का।
काटते हैं। मारने काटने की बात खैर मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, हो सकता है मेरा सवाल गलत हो। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये किसान बन के आ गए, ये बेरोजगार बन करके आ गए, तो ये दो महीने पीछे जब चुनाव की गर्मी शुरू होगी उस गर्मी में फिर वही हिंदू मुसलमान टोपी नहीं होगी। आपको बात बताऊं, चुनाव की कोई जिज्ञासा नहीं, ये वो भाई अमित निराणी पूरा हरियाणा प्रदेश में जिला परिषद निर्वाचित था, सबसे पहले इस्तीफा देने का काम किया था किसान व मजदूर भाई के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो कि धर्म पे बटेंगे हम? हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी किसानी और ये जवानी, केवल एक किसानी ही हमारी जाति और धर्म है, हम उस पे वोट देंगे, हम धर्म पे बट के वोट नहीं देंगे अब की बार। हाँ, 2022 में एकता की मिसाल पैदा होगी, हिंदू मुस्लिम एकता की, किसान की जो है सबकी वो मिसाल पैदा होगी 2022 में। 2022 के चुनाव में सब एकजुट होकर बढ़ते ही काटेंगे। काटेंगे बिल्कुल। पश्चिमी यूपी की ये बात है कि पूरे हरियाणा पंजाब सारा पूरे देश की बात है जी। ये कानून जो बने हैं इनसे पूरे देश को नुकसान है, पूरे देश के किसान को नुकसान है, लाके हरियाणा पंजाब को नुकसान है, सारे देश को नुकसान है इन कानूनों का। जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बटेंगे नहीं, ये केवल जो जोश जज्बा है ये केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित है या फिर उसके बाहर भी? पूरे देश में, पूरे देश में, पूरे देश में, यहाँ हरियाणा के लोग भी आए हुए हैं, पंजाब के भी है, उत्तर प्रदेश के भी है, राजस्थान के भी है। आप पश्चिमी यूपी कैसे कर रहे हो भाई? पश्चिम में भी कैसा कर रहे हो? पश्चिम में तो सहारनपुर मुजफ्फरनगर वगैरह आई है भाई। जो बटकट है दिल्ली में टिकायत है, बॉर्डर पे लगा रखा है सब कुछ, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारा टिकायत है सब कुछ है, वो बात हमारी भारतीय एकता है हमारी। मोदी अब का नहीं आने का, ना सरकार योगी की आने की। भाई हिंदू मुस्लिम तो दोबार से एक हो गए, टूट कर बात जुड़ गए हिंदू मुस्लिम। बात रहे बेरोजगारी की, भाई मुझसे मोदी ने 10 साल हो लिए, कोई वैकेंसी निकली किसी डिपार्टमेंट में, फॉर्म निकल ले, फॉर्म भर रहे, पैसे खर्च सब चुपचाप बैठ रहे, लोंडे भर्ते लगा रहे, रेस लगा रहे, घर बैठ रहे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। भाई तो रही रैली कदी बाद में आई, आज तो रही रैली, स्टेडियम भरा रहे सुबह को भी और सांझ को भी, बालक इतने भाग हैं, क्यों भर्ती नहीं आ रही? इनको आ जाएगी। मेरे नंबर में 2017 में बी फार्मा, 2000 बात सुनो भाई मेरी, 2017 में बी फार्मा करी थी, 17 में, 17 से स्टेम 21 आ गया, अब तक कोई वैकेंसी फार्मासिस्ट की कहीं नहीं निकली। ऐसी चला गया क्या, ये बता दो तुम मुझे। मैं 17 का बी फार्मा पास आउट हूँ भाई, 4 साल हो लिए कोई भर्ती निकली किसी भी जगह, कहीं भी कोई भर्ती निकाल रहा, रेस भी लगा ली कहीं नंबर नहीं आ रहा। 17 के पास आउट है, बीच में 19 चला गया जी, 2019 भी बीच में चला गया, 19 में क्या हुआ भाई? सिस्टम ये है, 17 में पास आउट हूँ, मेरी डिग्री आई थी 2019 में। उन्नीस में आपकी जो नाराजगी है, 19 में क्यों नहीं दी भाई? 19 में जो लोग थे धोखा खा गए, हिंदू मुस्लिम पे लोग खेल गए, हिंदू मुस्लिम पे अब के धोखा खाने के लोग, अब के लोग धोखा नहीं खाने के, धोखा खा चुके एक बार, लोग धोखा खाते हिंदू मुस्लिम भाई। सच्ची बात है, बीजेपी का रूल क्या है? बात है, यही बात है, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये बताइए सभी लोग गलत हैं, मुस्लिम गलत था, दलित गलत है, सिख गलत है, जाट गलत है, आदिवासी गलत है, भाई ये तीन बंदर, ये तीन सियासी बंदर ये ठीक है, ये लोग ठीक है, बाकी पूरा देश गलत है। अब के 22 में ना बचाना, उखाड़ फेंक देंगे, उखाड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता से, इन लोगों सबको उखाड़ फेंकना, ड्रामा बना दिया इन्होंने, बिल्कुल पागल कर दिया सबको, किसी का फायदा नहीं कर रहा। हाँ, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई योगी ने जो है, देखिए माफ करिए मेरा जो सवाल है वही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये कहते हैं कि योगी ने जो है वो मुसलमानों से छुटकारा दिलवा दिया, मुसलमान कुछ नहीं बोलता है, मुसलमान की चुड़ी टाइट की हुई है। गलत बोल रहा वो, बिल्कुल सुनो भाई, वो जनता को बरगला रहा, उसने गन्ने का एक रुपया नहीं बढ़ा पूरे 5 साल में, कि कोई किसी किस्म का नहीं, 5 साल होने वाला है मोदी योगी को, मैं दूंगा इसका जवाब मोदी को। योगी आपने कहा चूड़ी टाइट, भाई उन्होंने चूड़ी की मुसलमान की टाइट नहीं करी, मुसलमान की तो खुल के टाइट करी है, पर्दे के पीछे तो जाट की टाइट कर दी, उसके बाद दलित की टाइट कर दी, रिजर्वेशन बचेगा नहीं दलित का अगर ये आ गए तो, ये बात याद रखना। दूसरी बात रिजर्वेशन बचेगा नहीं, दलितों का रिजर्व छोड़ेंगे नहीं, दलितों के रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। अरे मुसलमानों ने हर चीज के लिए हक की आवाज उठाते, हम तो हक के लिए लड़ते हैं, हम हर किसी कौम के लिए आवाज उठाएंगे, हम दलित हिंदू मुस्लिम क्या सब प्राइवेट कर दिए, कहाँ गया? मैंने सुना, नौजवान है आप जी, नहीं जुड़े, ये बताइए कि कई लोग ये कहते हैं कि
योगी ने एक काम किया, महंगाई कर दी, चलो कोई नहीं, और जो है बेरोजगारी है कोई नहीं, लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी उससे। मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर ले, हाथ गोड्डे टाइट हो गए, बहुत बहुत दो साल हो गई भर्ती तो लिखी नहीं आई थी, या सितंबर में सेना ने प्रस्ताव रखा था इसे भी कैंसिल करवा दी, घर को चने भी देने बंद कर दिए, कालो घर चला हुआ गोटे खींच लिए, भाग दो दो साल होली भाग दो भाग दो, हिंदू मुस्लिम से चल रहा मेरी हो रही भाग दो भाग दो, नहीं मारे मजे आ रहे माँ तड़ी की तब फेरी में भाग गया वहां मजे आवे, माँ मुसलमान ना वहां सिख माँ सब बराबर है मुसलमान और हिंदू वहां भागने में अजी भाग गया, मोदी कह रहा बा भर्ती भर्ती दो साल होली यहाँ एसटीसी का रखी हमारी मोदी ने यहाँ मेरी स्थिति कर क्या चढ़े भी नहीं मिल रहे भी से। मुसलमानों का डर दिखा के कब तक डराएंगे, ये एक सवाल है, नौकरी लगाओ ना। सबसे बड़ी मिसाल तो है मुजफ्फरनगर में जहाँ से हिंदू मुस्लिम हुई थी और सारा भाईचारा है यहाँ पे सर, और इससे बड़ी मिसाल क्या देंगे ये बीजेपी वाले, और इससे बड़ी मिसाल क्या देंगे। जहाँ से दंगा स्टार्ट हुआ था ना आज उसी जमीन पे खड़े सारे, ना यहाँ कोई हिंदू ना मुसलमान, यहाँ पे सारे भाईचारे के साथ में खड़े। जहाँ फखरे आलम, फखरे आलम जितना हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं उतना आप लोग भी बोलेंगे। भाई मेरी बात सुन भाई, इनसे जो योगी है, योगी जो है यो हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के राजनीति कर रहा, इससे इससे जान सुनिए। देखिए सवाल ये है, सवाल ये है कि जो ये किसान महापंचायत है, किसान महापंचायत है, और किसान महापंचायत में ये देखिए सबसे शानदार बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एकजुट हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और उनसे कुरेद करके सवाल पूछे, क्योंकि गोदी मीडिया के लोग इसी तरह से सवाल पूछते हैं कि फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वो सारे सवाल पूछे, लेकिन जो एकजुटता दिखाई दे रही है, जो जोड़ दिखाई दे रहा है, 10 मिनट तक कोशिश मैंने भी की जैसे गोदी मीडिया के लोग करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि मामला जो है वो गहराई से जुड़ गया है कुछ, और इस बार कुछ तस्वीर जो है वो शायद अलग ही देखने को मिले। बस बात यही है कि क्या 2022 तक ये चीजें बरकरार रह पाएंगी, या कुछ जो है इसमें पहले की तरीके से कोई दरार या कोई उस तरह की चीजें जो है वो हो सकती है, ये भविष्य ही बताएगा। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।